हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। फ्लैट काम का जो है इसका, हालांकि हाई अगर देखें तो 950 के आसपास बनाया, वहां पर टिक नहीं पाया, थोड़ा सा और नीचे आया। ये कल ही इसके ऊपर हमने बात की थी कि पहले जो है ये 950 का जोन था, एक सपोर्ट लेवल था, अब जो है ये रजिस्टेंट बन गया है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, और सपोर्ट जो है वो अभी भी जो है करीब दिख रहा है। आज के दिन की अगर बात करें तो वॉल्यूम के अंदर थोड़ी सी कमी देखने को मिली थी, और पिछले दिनों में जब इसके अंदर ये कंसोलिडेशन था, तेज़ी थी, कंसोलिडेशन था, तब जो है अच्छा खासा वॉल्यूम था, ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर जो है ऐसा, मतलब कि अभी भी लग रहा है कि इसके अंदर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जो है हुआ होगा इस ऊपरी प्राइस के आसपास। अभी ये नीचे आया है, वॉल्यूम के अंदर जो है कमी आई है, तो कम वॉल्यूम के साथ नीचे आया है ये। और आगे हम देखते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। अब इस महीने या अगले महीने इसके जो है क्वार्टरली रिजल्ट भी आएंगे, तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। साथ ही साथ ये मेरे हमारे नए व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमारी कम्युनिटी पोस्ट जो है, इसके ऊपर आप जो है डेली टाइम टू टाइम जो इसको आप देखा करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। कल के दिन की अगर बात करें तो ये कुछ शेयर जो हमने शेयर किए थे, एक तो आप देख सकते हैं प्रकाश इंडस्ट्रीज़, केसीपी शुगर, इसके अंदर आज के दिन अगर देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। साथ ही साथ ये दूसरी पोस्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं SEPC, इसके अंदर भी जो है अपर सर्किट था 10% का। आप देख सकते हैं सभी के आज के प्राइस जो है अच्छे खासे इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली थी। और निफ्टी की भी अगर बात करें तो इसके अंदर भी जो है हमारे जो कुछ मतलब कि प्रेडिक्शन दिया था 19,600 से 19,700, दोनों ही लेवल जो है आज के दिन ही जो है वो अचीव हो गए। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कुछ शेयर के अंदर जो है तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं, ये स्टॉक मार्केट है। लेकिन आपके मतलब कि इसके ऊपर जो है अपनी रिसर्च करके कर सकते हैं अगर आपको एक ट्रेडर है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। अभी कभी नीचे में सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें, 15 मिनट का चार्ट इसका अब लगाया है। तो यहाँ पर अभी देखें तो परसों के दिन मतलब कि एक शुक्रवार को जो है अच्छा खासा ये 950 के ऊपर था। सोमवार कल जब मार्केट के अंदर गिरावट आई, इसके अंदर भी गिरावट आई, नीचे आया ये। आज के दिन भी अगर देखें तो सुस्ती बनी हुई थी। वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर कम वॉल्यूम यहाँ पर है, तो अभी फ़िलहाल जो है कम वॉल्यूम के साथ ये गिरावट आ रही है। यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिचुएशन जो है थोड़ी सी अलग दिखेगी। लंबा चार्ट है ये, इसके अंदर अगर देखें तो हायर लो की सिचुएशन कहीं ना कहीं बन रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये लो बनाया, उसके बाद यहाँ लो बनाया, उसके बाद यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर, और अभी जो ये इसने लो बनाया है इसके आसपास ही जो है अभी ये इस लो को जो है अभी ब्रेक नहीं किया जो इसने बनाया था, आई थिंक 920 या 900 के आसपास का। अभी ये जो है 940 के आसपास काम कर रहा है, तो नज़दीक ही है। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो ये जो पैटर्न है वो कंटिन्यू रह सकता है। और आगे हम देखें और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे अभी ये बना हुआ है, इसके ऊपर जाएगा तब इसके अंदर स्ट्रेंथ जो है वापस भी आ सकती है। फिलहाल इसका डेली चार्ट अगर देखें तो यहाँ पर भी जो है इसके 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे काम किया है इसने अभी तक, मतलब कि नीचे काम कर रहा है। जब से यहाँ पर इसने एक ब्रेकडाउन सा दिया था 1,000 रुपये के तोड़कर, ये 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के जैसे ही नीचे आया और इसके अंदर जो है उसके बाद लगातार एक गिरावट सी रही। आज इस ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी हल्की सी गिरावट इसके अंदर थमी हुई है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है इसके देख लेते हैं कि 940 का प्राइस है, तो नीचे में 920 का जोन और उसके बाद देखें तो 900 रुपये के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर इसको मिल सकता है, जो कि ज़्यादा दूर है नहीं। और रेजिस्टेंस की बात करें तो एक तो ये आज के दिन ही जो है 950 का इसने हाई बनाया, तो एक तो 950, उसके बाद देखें तो 980 और 1,000 रुपये का जो जोन है यहाँ पर इसको जो है रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। और यहाँ पर बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। और अब आगे बात करते हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की, यानी कि इसका पहले जो नाम था अदानी ट्रांसमिशन। अब इसके अंदर भी अगर देखें तो ये भी सपोर्ट के काफ़ी करीब यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें, कल भी इसके ऊपर हमने बात की थी कि एक तो ये 780 का जो जोन है यहाँ पर इसको जो है अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है, बिकॉज़ कि इसी जोन के आसपास जो है इसी प्राइस के आसपास इसके अंदर पिछले दिनों में बल्क डील या ब्लॉक डील हुई थी जहाँ तक मुझे याद है। और आप यहाँ खुद भी देख सकते हैं कि इसने कई बार जो है इसी जोन के आसपास इसी लेवल के आसपास जो है सपोर्ट लिया है, अभी प्राइस उस प्राइस के आसपास काम कर रहा है। और जब इसके अंदर तेज़ी आ रही थी तब अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आ रही थी, और जब गिरावट आई तो कम वॉल्यूम के साथ आई, तो तेज़ी के टाइम ऐसा लग रहा था कि बायस ज़्यादा है, करेक्शन के टाइम ऐसा लग रहा है कि जो है अब जो सेलर्स है वो कम है यहाँ पर। फिलहाल अभी देखें तो इसके अंदर एक मतलब कि कंसोलिडेशन सा का माहौल चल रहा है ऐसा लग रहा है। आगे हम देखें 15 मिनट का चार्ट,
तो इसके अंदर आज के दिन हुआ गया। तो सवेरे ही अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा माहौल था, तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद जो है पूरे दिन एक कंसोलिडेशन सा रहा, फर्दर तेज़ी फिलहाल नहीं आई आज के दिन। और जो इसका जो 800 रुपये के आसपास का रजिस्टर है वो उसको जो है अभी ब्रेक करने में वो नाकामयाब रहा, अगर इसके पार चला जाता तो अच्छा रह सकता था। कल के दिन जो है अदाणी के ऊपर जो है एक न्यूज़ भी आई थी और वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं, हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और यहाँ पर अभी देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर जब यहाँ पर हम देखते हैं तो जैसे कि इसका जो 5 और 9 डेज वीक का जो मूविंग एवरेज है, 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज, इसको इसने तोड़कर नीचे आया है। अब इसके ऊपर जब ये जाएगा तब इसके अंदर जो है वापस से ऐसा लग रहा है मतलब कि एक स्ट्रेंथ जो है आ सकती है। फिलहाल ये काफ़ी लंबा चार्ट है और इसके अंदर भी अगर देखिए तो एक कॉप एंड हैंडल सा पैटर्न बन सकता है, लेकिन अभी बना नहीं है तो हम इसकी फ़िलहाल हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये अगर ये प्रीवियस जो इसका हाई है जो कि 1000 रुपये के आसपास था, मतलब कि वहाँ तक ये गया था, अगर ये वहाँ पर जाता है तो जो है इसके अंदर ये कॉप एंड हैंडल सा पैटर्न बन सकता है। और यहाँ पर बात हो रही है पॉसिबिलिटी की, और इस महीने या अगले महीने इसके रिजल्ट सीजन भी मतलब कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी आएंगे तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। और अब हो सकता है कि जल्द ही जो इसका जो है एक तारीख भी आ जाए, एक अनाउंसमेंट भी आ सकता है कि इस दिन इसके रिजल्ट आ सकते हैं। और अगर इसके अंदर आपकी होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि इसके ऊपर हम डेली अपडेट लाते हैं। यहाँ पर 786 रुपये का प्राइस है, तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेंट देख लेते हैं। अभी फिलहाल अभी देखें तो ये जो जोन है 780 का यही एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, लेकिन अगर इसको ये नीचे में तोड़ता है तो नीचे में देखें तो 750 से लेकर 740 का जो जोन है यहाँ पर इसको जो है दूसरा सपोर्ट मिल सकता है, जो कि ज़्यादा दूर है नहीं, ये शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे कि हमने देखा कि एक तो ये 800 रुपये का जोन, उसके बाद देखें तो 820 से लेकर 850, ये तीनों की जो है इसके लिए एक मतलब कि रजिस्ट्रेशन फेस यहाँ पर ये कर सकता है अगर तेज़ी आती है तो। और यहाँ पर बात हो रही है पॉसिबिलिटी की क्योंकि यह अब देखें तो जैसे कि तेज़ी में अच्छा खासा वॉल्यूम था, करेक्शन के अंदर जो है वॉल्यूम कम था, फिर यहाँ पर जब एक बाउंस बैक सा आया और फिर कंसोलिडेशन भी रहा तब भी जो है वॉल्यूम के अंदर अच्छा खासा यहाँ पर वॉल्यूम बरकरार था इसके अंदर। और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी रह सकती है, और हालांकि शॉर्ट टर्म में जो है वोलेटिलिटी रह सकती है। आज बाज़ार के अंदर अच्छी खासी तेज़ी थी, कल के दिन गिरावट थी, और अभी जो है जैसे कि ये सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन है, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। जब इसके रिजल्ट आएंगे तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इसकी जब तारीख डेट अनाउंसमेंट होगी रिजल्ट क्वार्टरली रिजल्ट की तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और हमारी कम्युनिटी पोस्ट को भी ज़रूर देखें, दूसरे वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरे तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।